तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को फ्री फायर के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज हम खेलने वाले हैं बर्मुडा में रैंक मैच। तो आज का भाई गेम प्ले वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने पर इस चैनल पर मैं डायमंड्स का गिव अवे करने वाला हूँ। 4000 के ऊपर डायमंड का गिव अवे होने वाला है, तो आप प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना ताकि आपको डायमंड्स मिले। यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी। तो यार पिक में बंदे आ ही नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी हम जब उतरे थे तो बंदे पूरे आ ही नहीं थे। कोई भी बंदा पिक में नहीं आया था, सिर्फ एक बंदा उतरा था, वो भी हवेली की तरफ था। तो हमने सोचा कि सबसे पहले लूट किया जाए, थोड़ा लूट कर लेते हैं। लेकिन लूट के नाम पे भी यहाँ पे कुछ नहीं था, एक माइन मिली थी, एक क्रॉसबो मिला था, लेकिन क्रॉसबो से मेरा निशाना उतना अच्छा तो है नहीं। तो यार थोड़ा बहुत यहाँ पे लूट कर लेते हैं बोले, और फिर सामने के घर में हमने पुश कर दिए। लूट करते करते पता चला कि यार हवेली में एक बंदा है जो स्टार्टिंग में यहाँ पे उतरा था, लेकिन अभी भी यहाँ से भागा नहीं वो लूट करके। शायद उसको सोलो वर्सेस शॉट खेलने की कुछ ज़्यादा इच्छा होंगी, लेकिन फिर भी हमने बोले चलो इसकी इच्छा पूरी कर देते और उसकी तरफ पुश कर दिए। उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिए, लेकिन फिर अंदर जाके वो भाग गया। उसकी फट गई थी, शायद एक्चुअली में फट गई थी उसकी। अब यहाँ पे पहले बंदे को मार के उसकी तरफ से लूट ले ही रहे थे, तो उसकी तरफ से एक और बंदा सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने आ गया। उसको भी हमारी तरफ पुश कर दिया उसने, और उसने फिर जैसी पुश किया तो वैसे भाई मेरे पास M16 थी, टकले पे दे दिया। और M16 अपने साथ तो कितना प्यारा है, तो वही कि मैंने उसको समाप्त कर दिया। पीक से लूट कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा कि चलो यहाँ पे पूरा घूम लिया जाए, लेकिन यहाँ पे पीक में कोई नहीं बंदा मिला। यहाँ पे कोई भी भटकती हुई आत्मा भी किसी की नहीं मिली, ना किसी की लाश मिली। तो फिर पीक में कोई भी बंदा नहीं मिला, तो सोचा कि चलो अब चलते हैं पोचीनाकी में। पोचीनाकी की तरफ भागे, मस्त रश करे, सोचा कि यहाँ पे तो बंदे मिलने वाले हैं। लेकिन पोचीनाकी में भी कोई बंदा नहीं था, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था बंदों का, ना कोई लड़ाई हो रहे थे, सिर्फ हर कोई शायद कैंपिंग कर रहा था। मेरे ख्याल से तो भाई दिन के टाइम पर हम लोग कैंपिंग ही कर रहे हैं रैंक पुश करने के लिए। लेकिन यहाँ से हम फिर निकल गए, तो हम चले अब भाई फैक्ट्री की तरफ। फैक्ट्री में भी कोई बंदा नहीं दिखा हमको, लेकिन फॉर्चुनेटली हमको वहाँ पे एक जीप दिख गई। तो चलो भाई अब जीप में बैठते बोले और चलते क्लॉक टावर में, क्योंकि वहाँ पे बंदे ज़रूर रहते। इधर जीप में बैठे थे को पता चला कि भाई हमारा तीसरा जो बंदा है सौरभ बाबा, उसकी तरफ तो भाई उसकी लाइफ फटाफट कब हो रही मालूम पड़ा कि उसके ऊपर किसी ने रश कर दिया है। तो हम उसको हेल्प करने के लिए गए वहाँ पे, लेकिन हमारे बंदे ने उसको वहीं के वहीं जो बंदे ने उसके ऊपर अटैक किया था उसको वहीं के वहीं किल कर दिया हुई P90 से। किस्मत अच्छी थी, वरना अकेले में तो भाई अगर उसको रश हो जाता उसके ऊपर तो वहीं के वहीं मारा जाता। तो फिर उसको हम वहाँ पर वापस लेने चले गए। सब बंदों को लेने के बाद हमने एक बार सोचा कि चलो भाई मौत की घाटी का एक चक्कर लगा के आ जाते हैं। मौत की घाटी मतलब हम लोग भीमा साकी स्क्रिप्ट को मौत की घाटी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली में मौत के लड़ाए होते हैं, इसलिए हम उसको मौत की घाटी बोलते हैं। मौत की घाटी में भी आज भाई कोई नहीं था, लिटरली कोई नहीं था, दिन के टाइम पर बंदे मिल ही नहीं रहे। लेकिन फिर चलो अब मैं सोचा कि चलो यहाँ पर बहुत घूम लिए, पूरा भीमा साकी स्क्रिप्ट घूमे, लेकिन कोई नहीं मिला। तो अब फाइनली गाड़ी में बैठ गए और अब चलो भाई चले सीधा क्लॉक टावर की तरफ। क्लॉक टावर पहुंचे तो मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे बंदे हैं, क्योंकि गेम हल्का सा लैग दिया। वो हल्का सा लैग जो पैशन में आ जाते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि भाई बंदे हैं यहाँ पे। तो मुझे पता चल गया था कि बंदे हैं, तो मैं सोचा कि चलो यहाँ से ऊपर में लेता, और जैसे ऊपर में लिया मालूम पड़ गया भाई कि सीधे बाजू में बंदे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा हमला हमारे ऊपर चालू कर दिए थे।
यहाँ पे अच्छी खासी फाइट कंप्लीट ही हुई थी कि एक बंदा जो ऊपर बैठा हुआ था छत के ऊपर, उसने वहाँ से स्कार भिन्नाना शुरू कर दिया। स्कार जो भिन्ना रहा था, मैं वहाँ पे उसके ऊपर ऊपर भागा उसको मारने के लिए, लेकिन देखा कि उसने दो बंदों को नॉक कर दिया मेरे, वो भी इतनी जल्दी जल्दी, क्योंकि उसको ऊपर की सिचुएशन का एडवांटेज मिल रहा था। मैं वहाँ पे आइस ग्रेड बनाने गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा क्योंकि न्यू फोन है इसकी वजह से मेरे हाथ इस पर अच्छे से बैठ के नहीं है, तो आइस ग्रेड भलती जगह बन गया और उस बंदे ने मेरे दो बंदों का किल ले लिया। बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर, दिमाग खराब हो गया यार। M16 दिया उसको, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं, वो छुप गया क्योंकि उसकी अब बेटा फट गई थी, क्योंकि जोकर उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। अभी तक मेरा जो न्यू फ़ोन है Redmi K20 Pro, उस पर मेरा हाथ अभी तक बैठा हुआ नहीं है। स्क्रीन इतनी बड़ी है उसकी कि पहले मेरे को अपना Lenovo K5 Note यूज़ करने की आदत थी, तो भाई उसमें ही फ्री फायर खेलता था, लेकिन अब जब से ये फ़ोन लिया तो इस पर हाथ बैठाने में बहुत टाइम लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं अपनी मिस्टेक की वजह से मार रहा हूँ, ना कि बंदों की वजह से। फिर मैं गया इस बंदे को मारने के लिए, भाई साहब ये बंदे का किल लेके जो मज़ा और जो सुकून मिला ना, वो किसी बंदे को किल करके नहीं मिला। अचानक से फिर मुझे 11 लोग भी देखने लग गए, लेकिन मज़ा बहुत आ गया यार, क्योंकि ऐसे कैंपर लोग जो मारते ना बड़ी चिढ़ाती यार मेरे को। आमने सामने की फाइट करो ना तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सारे कैंपर लोग ऐसे मारते ना ऊपर ऊपर से, तब बड़ी मेरे को चिढ़ा जाती है यार। वो भी एडवांटेज ले जाते हैं, क्योंकि ऊपर ऑब्वियसली तुम लोगों को ऊपर का एडवांटेज मिल जाता, तो इसीलिए कैंपिंग करके जो मारते यार उसमें उनको बड़ी चिढ़ाती। फिर यहाँ से मैं कूदा फिर से मेरी गलती की वजह से, और फिर सोचे कि चलो भाई अब सोलो वर्सेस स्क्वाड सिचुएशन आ गई है, क्योंकि जो हमारा दूसरा बंदा था भाई उसका नेटवर्क आ रहा जा रहा था। अब क्लॉक टावर को पूरा चेक करने के बाद सोचे चलो यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा नहीं था, ऊपर से जोन भी आ रहा था, तो यहाँ पे भागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर यहाँ पे सामने मुझे एक रेस कार दिख गई, तो चलो बोला इसमें बैठ जाते हैं। अब अब यहाँ पे आराम से गाड़ी लेके निकला, सोचा कि जो होगा देखा जाएगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वाड डाउन हो चुकी थी। तीसरा वाला बंदा सेफ जोन से मर रहा था, क्योंकि भाई बचाने को जा नहीं सकते थे रिटर्न में, क्योंकि मैं लास्ट वाला जो जोन रहते थे फिर वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे थे, तो फिर मैं यहाँ पे निकल गया। अब सोचा कि भाई जो होगा देखा जाएगा, पोजीशन भी रिटर्न ने एक्सपोज कर दिया था, लेकिन बंदे फॉर्चुनेटली मेरे को बंदे नहीं मिल रहे थे, लिटरली कोई बंदा मिल ही नहीं रहा था भाई। इतनी ज़्यादा कैंपिंग भाई कौन करता है रैंक गेम में यार, इतनी कैंपिंग मत किया करो यार, थोड़ा बाहर निकला करो, मज़ा आती, गेम भी जल्दी खत्म होगा। लेकिन फिर भी कोई बंदे नहीं मिला, सोचा भाई हमारा जो तीसरा बंदा है उसकी लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही थी, शायद जोन की वजह से मर रहा था वो, लेकिन फॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे वो जोन में लाइफ बढ़ा बढ़ा के बाहर वहाँ से आ ही गया। अब पूरा मास इलेक्ट्रिक ढूंढ लिया, यहाँ पे भी कोई बंदा नहीं था, सारे बंदे सिर्फ और सिर्फ घरों में छुप रहे थे, और यहाँ पे जोन बन गया था, पहले से जोन में था, लेकिन कोई बंदा यहाँ पे भागते हुए नहीं आया। अभी हमारे जो सौरभ बाबा है तीसरे बंदे, उनको वहाँ पे एक बंदा मिल गया और वो उसके ऊपर गोला चलाना शुरू कर दिए, फैक्ट्री की तरफ था शायद से वो बंदा। सुकून आ गया भाई जब वहाँ पे देखा कि एक बंदा रेडार ने एक्सपोज कर दिया। फिर थोड़ा नजदीक गया तो मालूम पड़ा कि दो बंदे हैं वहाँ पे, तो मजा आ गया, गाड़ी लेके उनको मारने के लिए भागा मैं। मालूम पड़ा सौरभ बाबा से वो ऑलरेडी फाइट ले रहे थे।
अब ये 2 vs 2 का मामला था, एक बंदा साइड में छुपके बैठा था और एक बंदा सामने था, तो अब बस बहुत हुआ, मैंने सोचा कि चलो भाई अब चलो पुश करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रुक के बैठे तो वो लोग ऑलरेडी हमको मार डालेंगे। अब भाई सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ था, भुया तो कन्फर्म था, उस बंदे का बड़ा चालाक था, मस्त दो दो आइस ग्रेनेड बना के रखा था उसने ऊपर, उसको फोड़ने की कोशिश कर रहे थे और जोन आ भी रहा था, लेकिन फिर भी अभी हमने सोचा कि वो वैसे ही मारा जाएगा, तो जोन हमने आने का वेट करे थोड़ा सा और बाहर निकल गए। कुछ भी बोलो, ऊपर वाला बंदा चालाक बड़ा था, जोन आ गया था, लेकिन वहाँ पे बड़ा बढ़िया से छुप के बैठा हुआ था वो, लेकिन मैंने बोला मेरे को बहुत हो गया, मेरे को उसका किल लेना ही था कुछ भी करके, वो जोन से मरता जो मरता मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे दूसरे बंदे की लाइफ भी खत्म हो गई थी। मैंने बोला चलो अब मैं बोला जोन में घुस के मारूंगा इसको, आइस गेट फोड़ा, सीधा गया वहाँ पे, देखा उसने आइस गेट और लगा के रखा था, मैं जोन से डैमेज मेरे को पड़ रहा था, लेकिन आइस गेट फोड़ा, वो बंदा वहाँ पे छुप के बैठा था, उसके सर पर सीधा टकले पे शॉटगन और ख़त्म।